असलम गाइज़ आई होप यू आल आर डूइंग वेल आई एम योर फ्रेंड तो हैदर सती और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद तो तो क्रिकेट की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ तो क्रिकेट की अपडेट ये है कि ओ डी आई की रैंकिंग की अपडेट हुई है जो ओडी आई प्लेयर ऑफ रैंकिंग एंड टीम की रैंकिंग आई है उसके ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर एक और बड़े प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर ने ओ डी आई से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है तो वो कौन से प्लेयर हैं और क्या अपडेट है उनके हवाले से उसके ऊपर बात करेंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा तो बात का आगाज़ करते हैं ओडीआई की रैंकिंग से जिस तरह टीमों का ओडीआई सुनहरियो चल रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रही हैं किसी को मैच ज़्यादा मिल रहे हैं किसी को कम मिल रहे हैं क्योंकि ये टी वर्ल्ड कप इन पिछले प्रीवियस दो सालों में इस साल में भी टी वर्ल्ड कप है तो टी ट्वेंटी पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है तो ओडी आई पर थोड़ा ओडी आई के मैचज़ मैचज़ कम हो रहे थे तो इस हवाले से ओडी आई की रैंकिंग जो आई है उसकी अपडेट आ, आपके सामने शेयर करेंगे तो इंग्लैंड की टीम ओ डी आई में पहले नंबर पर है जी ओडी आई पर टॉप कर रही है मतलब वो उन्होंने पिछला वर्ल्ड कप भी जीता है वो अभी चैम्पियन भी हैं वो हालिया चैम्पियन भी हैं और वो अभी लीड कर रहे हैं और डी पर उनके एक पॉइंट्स हैं वो पहले नंबर पर हैं उसके बाद न्यूज़ीलैंड की टीम है न्यूजीलैंड की टीम एक पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है जी हाँ एक पॉइंट्स के साथ न्यूज़ीलैंड की टीम दूसरे नंबर पर है उसके बाद भारत की टीम इंडियन टीम 107 पॉइंट के साथ आ, तीसरे नंबर पर है इंडियन टीम 107 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है और पाकिस्तानी टीम 104 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है तो पाकिस्तान यहाँ पर चौथे नंबर पर स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान ओ डी आई रैंकिंग में चौथे नंबर पर स्टैंड कर रहा है इस वक्त उसके बाद पाँचवें नंबर पर आस्ट्रेलियन टीम आ जाती है छठे पर साउथ अफ्रीका सातवें पर बंग्लादेश आठवें पर श्रीलंका और नौवें पर वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान टेन पर आती है और उसके बाद उमान स्कॉटलैंड वगैरह शुरू हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए इतनी बैड न्यूज़ भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान टॉप फोर में शामिल है और इंग्लैंड यहाँ पर लीड कर रही है तो प्लेयर की भी रैंकिंग आई है उसके भी हवाले से बात करेंगे कि प्लेयर में कौन लीड कर रहा है तो प्लेयर में वन एंड ओनली द किंग ऑफ पाकिस्तान बाबर आजम लीड कर रहे हैं जी बाबर आजम यहाँ पर टॉप पर नज़र आ रहे हैं पहले नंबर पर हैं ओ डी आई रैंकिंग में और दूसरे पर साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं आउटस्टैंडिंग खेल पेश कर रहे हैं जी वैसी वैन डर ड्यूसन वो दूसरे नंबर पर हैं उसके बाद तीसरे नंबर पर ही साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं क्वांटम डिकॉक ओ में वो तीसरे नंबर पर हैं और चौथे नंबर पर पाकिस्तान के प्लेयर हैं जी इमाम इमाम प्रीवियस डेज में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे उन्होंने जिस तरह टीम के अगेंस्ट फिफ्टीज़ वगैरह का रिकॉर्ड भी किया था और बहुत अच्छा उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी वो दूसरे पर थे लेकिन अब वो उनकी तनजली हुई है तो वह पहुँच चुके हैं जी चौथे नंबर पर विराट कोहली आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं क्या इनके बारे में क्या कहने है यार पिछले तीन साल से इनकी फॉर्म नहीं है लेकिन फिर भी ये टॉप फाइव में शामिल हैं तो ये विराट कोहली पाँचवें नंबर पर हैं जी टी ट्वेंटी रैंकिंग की बैटर रैंकिंग में पाँचवें नंबर पर विराट कोहली स्टैंड कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसके बाद बॉलर की बात करेंगे तो बॉलर की भी रैंकिंग आई है तो टॉप फाइव में कौन से बॉलर शामिल हैं तो उनके हवाले से ट्रेंट बोल्ट न्यूज़ीलैंड के प्लेयर हैं वो पहले नंबर पर हैं उसके बाद जोश हैजलवुड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं वो दूसरे नंबर पर हैं जसप्रीत बुमराह तीसरे नंबर पर हैं इंडियन प्लेयर शहीन अफरीदी शहीन शाह अफरीदी चौथे नंबर पर हैं तो शहीन अफरीदी के लिए गुड न्यूज़ है वो ओडीआई में चौथे नंबर पर हैं उसके अलावा टॉप टेन में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं है शहीीन को छोड़कर ओडीआई रैंकिंग में तो ऑलराउंडर की भी रैंकिंग इसी इसी के साथ प्रिव्यू हुई है तो ऑलराउंडर राउंडर में शकीबल हसन बंग्लादेश के प्लेयर हैं वो पहले नंबर पर हैं उसके बाद मोहम्मद नबी एज़ uh, यू नो you know, अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं कैप्टन भी हैं उनके अभी तो वो दूसरे नंबर पर हैं उसके बाद सिकंदर रजा जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट आउट खेल पेश किया और उसके साथ ही अभी प्रीवियस मैच मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने अच्छा खेल पेश किया तो तीसरे नंबर पर सिकंदर रजाएँ और उसके बाद चौथे नंबर पर िशान मकसूद उमान की टीम से ताल्लक़ रखते हैं तो ये एक अच्छी खबर है छोटी टीमों के लिए कि उनके जो प्लेयर हैं वो यहाँ पर आ, अच्छा खेल पेश कर रहे हैं तो ओडीआई की रैंकिंग का जो यही अहवाल है कि इस वक्त जो पहले नंबर पर टीम है वो है इंग्लैंड और उसके बाद पाकिस्तान चौथे नंबर पर है तो इंग्लैंड लीड कर रही है तो उसके बाद जो आपके सामने मैं एक और अपडेट देने जा रहा हूँ वो है प्लेयर एक प्लेयर हैं जो बहुत बड़े प्लेयर उन्होंने ओ से रिटायरमेंट ले लिया तो वो कौन से प्लेयर थे तो जी हाँ वो ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्टन अरुण फेंच थे अरुण फेंच ने क्रिकेट ओ डी क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि वो अब मजीद ओ डी नहीं खेलेंगे तो इसके ऊपर क्या वजह बनी है आ, एक तो ओ डी को वैसे भी प्लेयर जिस तरह बैन स्टोक ने छोड़ा उसके बाद कई बड़े बड़े अब बयान आने लगे कि ओ डी क्रिकेट को, को बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए तो आ, इनका ये इसके पीछे कोई स्टांस नहीं है इनका स्टांस यही है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है ओ में पिछले सात मैचेस में सात मैचेस में इन्होंने आ, टोटल ट्वेंटी सिक्स रन स्कोर किए हैं तो इनका यही कहना है कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत वहाँ पर ज़ीरो थी वहाँ पर ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे इनके स्कोर कार्ड भी बहुत मायूस मायूसकुन था वहाँ पर तो इन्होंने फैसला किया कि ये ये वहाँ से आ, किनारा कशी करेंगे ताकि इनकी टेस्ट क्रिकेट और टी ट्वेंटी क्रिकेट पर कोई अफेक्ट ना पड़े तो जी हाँ ये भी एक बड़ी न्यूज़ है कि एक बड़ा स्टार ऑस्ट्रेलियन ओ डी आई के कैप्टन ने डी आई टीम से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है तो यह सुनहरियो कुछ था ओडीआई आई आई की रैंकिंग पर और ओडीआई आई प्लेयर जिन्होंने यहाँ से रिटायरमेंट ले लिया है उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है, है तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा तब तक मुझे इजाज़त दीजिए हाफिज़